सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2015 से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कई कदम दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा उठाए गए। जो जो भी चुनी हुई सरकार के परव्यू में आता था, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे वो बसों में मार्शल लगवाना हो, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती रही। जो भी महिलाएं दिल्ली में काम करती हैं, पढ़ती हैं, पली बड़ी हैं, वो जानती हैं कि डीटीसी के बस का सफ़र कितना मुश्किल होता है, किस तरह महिलाओं के साथ बदतमीज़ी होती है, किस तरह उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। और इसी अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए दिल्ली की बसेस में, डीटीसी बसेस में बस मार्शल्स को लगाया गया था। 2015 से ये स्कीम चालू हुई और लगातार बसों में दो शिफ्ट में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एवं होमगार्ड्स बस मार्शल्स के तौर पे मौजूद थे, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, बुजुर्गों को सुरक्षा देने के लिए, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन 2023 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अफसरों के माध्यम से इस बस मार्शल्स की स्कीम में विघ्न डालने का काम शुरू किया। बार बार अफसरों द्वारा ऑब्जेक्शंस लगवाए गए। उसके बाद बस मार्शल्स की अप्रैल 2023 से तनख्वाह रुकवाई गई और आखिरकार अक्टूबर 2023 से सारे बस मार्शल्स को, जिसमें से ज़्यादातर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, उनको बस मार्शल के तौर पे हटा दिया गया। जैसा आप सब जानते हैं, बस मार्शलों ने पिछले एक साल से सड़कों पर संघर्ष किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने, खासकर सौरभ भारद्वाज जी ने सड़क पर उतरकर बस मार्शलों का समर्थन किया। बस मार्शलों ने, हमारे विधायकों ने, मंत्री जी ने बैरिकेड्स पे डंडे खाए, अरेस्ट हुए, डिटेन हुए, लेकिन आखिरकार ये संघर्ष सफल हुआ और केंद्र सरकार को इन बस मार्शल्स के सामने झुकना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि आने वाले 4 महीने के लिए बस मार्शल्स को पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में लगाया जाए। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दिल्ली वालों के सामने था और दिल्ली सरकार के सामने था, वो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बस मार्शल्स बसों में ना होने से महिलाएं अनसेफ हैं। बस मार्शल्स के बसों में ना होने से फिर से एक बार डीटीसी बसों में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार शुरू हो गया है। बस मार्शल्स ना होने से बुजुर्ग भी जो डीटीसी बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो अनसेफ फील करते हैं। इसी संदर्भ में कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जिसपे काफ़ी लंबा डिलिब्रेशन हुआ बस मार्शल्स के मुद्दे पे, और कुछ निर्णय हैं जो दिल्ली सरकार पहुंची है, जिनको मैं साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले
बस मार्शल्स की एक परमानेंट स्कीम बनाने के संदर्भ में हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी लंबी चर्चा के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, और ये एक नोट है उनका जो मैं शेयर भी करूंगी मीडिया के साथ, इस लंबी चर्चा से ये निकल के आया है कि जो बस मार्शल्स की पॉलिसी है, चाहे उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाए या उन्हें परमानेंट बेसिस पे रखा जाए, ये एक सर्विसेज मैटर है और ये चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आता और एलजी साहब के अंडर आता है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि ये इशू ऑफ सेफ्टी है, ये पब्लिक ऑर्डर के तहत आता है जो भी एलजी साहब के पास उस डोमेन में है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी राय रखी जो हमारी डिलीब्रेशंस हुई उनके साथ। तो दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों की तरफ से हम एलजी साहब को एक प्रस्ताव भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये जो बस मार्शल्स और महिलाओं की सुरक्षा का मैटर है, क्योंकि वो उनकी डोमेन में आता है, तो वो कृपया इस पे जल्द से जल्द एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाएं कि बस मार्शल्स को स्थायी तौर पे, परमानेंट तौर पे दिल्ली की हर बस में दो शिफ्ट्स में रखा जा सके कि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित ना हों। एक दूसरा फैसला भी कल ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में लिया गया। सब मंत्रियों की ये यूनानिमस राय थी कि हो सकता है कि एलजी साहब को ये पॉलिसी बनाने में अभी कई महीने का समय लगे, लेकिन इस समय के दौरान दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि एक स्थायी पॉलिसी बनाने में 3 महीने लगें, 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, लेकिन 6 महीने तक दिल्ली की महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है। तो दिल्ली सरकार की ने ये फैसला लिया है, जो हम एलजी साहब को कम्युनिकेट करेंगे उनके अप्रूवल के लिए, कि तुरंत प्रभाव से 10,000 बस मार्शल्स को एज इज वेयर इज बेसिस पर तुरंत रीइंस्टेट किया जाए। यानी जो 10,000 मार्शल्स दिल्ली की बसों में 31 अक्टूबर 2023 को लगे हुए थे, उनको तुरंत प्रभाव से बस मार्शल्स के तौर पर लगाया जाए और वो तब तक बस मार्शल्स नियुक्त रहें जब तक कोई नई पॉलिसी उनको परमानेंटली बस मार्शल बनाने के लिए नहीं आती है। क्योंकि यही एकमात्र तरीका है एज इज वेयर इज बेसिस पे बस मार्शल्स को वापस लाने का, जिससे दिल्ली की महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहेगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस प्रस्ताव पर एलजी साहब जल्द से जल्द अपनी मोहर लगाएंगे कि जो बस मार्शल्स हैं वो तुरंत अपने काम पर वापस लौटें और दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के बच्चे फिर से डीटीसी बसेस में सिक्योर हों। अब मैं चाहूंगी सौरभ भारद्वाज जी अपनी बात रखें। हेलो, देखिए आप सब लोगों को याद होगा दिल्ली विधानसभा में सर्वसम्मति से ये पास हुआ था। दिल्ली के सभी विधायक, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे वो भाजपा के हों, 3 अक्टूबर को पहले नवरात्रे को एलजी साहब के पास जाएंगे। दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल एलजी साहब के पास जाएगा और जिस कागज पे साइन करना होगा उस पे साइन करके दे देंगे
कि आप इन बस मार्शलों को बहाल कीजिए। 3 अक्टूबर को हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एलजी साहब के घर के बाहर इंतजार किया। हजारों बस मार्शलों ने इंतजार किया, सुबह से शाम हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक वहां नहीं पहुंचा। शाम को पुलिस ने लाइट बंद कर दी, लाठी चार्ज किया और हम विधायकों को, मंत्रियों को गिरफ्तार करके थाने में ले गए। 3 अक्टूबर की बात। 5 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता जी ने समय मांगा, मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, सारा मंत्रिमंडल मौजूद था, बस मार्शल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। एक एक मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर विजेंद्र गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी या एलजी साहब कहेंगे तो वो हम पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। अंततः राय ये बनी कि अगर आप इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से पास कर दोगे तो एलजी साहब से मैं साइन कराऊंगा। ये विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया, विजेंद्र गुप्ता को बड़ी मुश्किल से हम लोग एलजी साहब तक पहुंचा पाए, बीच में कई बार भागने की कोशिश की। उसके बावजूद आप मीडिया के साथियों के दबाव के चलते और बस मार्शल के दबाव के चलते वो एलजी हाउस तक गए। हमारी मुख्यमंत्री उनके साथ कार में गई और वहां पे उन्होंने और एलजी साहब ने 10,700 बस मार्शलों को धोखा दिया। उन्होंने उस प्रस्ताव को साइन नहीं किया। जब विजेंद्र गुप्ता बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया में कहा, और ये सबके पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार का प्रस्ताव एलजी साहब ने मंजूर कर लिया, एक हफ्ते के अंदर बहाली हो जाएगी। ये सबके पास ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। उसके बावजूद 5 अक्टूबर से आज 11 नवंबर हो गया, वो प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। उल्टा एलजी साहब ने एक और कलाबाजी मारी, यू टर्न मारा, गुलाटी मारी और उन्हें बोला कि मंत्रिमंडल मुझे दोबारा प्रस्ताव दे दे। दोबारा प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई और वही बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने नोटिंग में लिखी कि ये मामला सीधा सीधा सर्विसेज और पब्लिक ऑर्डर का है, यानी कि सीधा सीधा रिजर्व सब्जेक्ट है और एलजी साहब के अधीन है। ये उनके लगाए हुए अफसर ने लिखा है, हमने नहीं लिखा, उनके द्वारा लगाए हुए अफसर ने लिखा है। तो हमने उस प्रस्ताव के ऊपर अपने मंत्रियों की मीटिंग करके ये प्रस्ताव बनाया है कि भैया आप ये पॉलिसी बनाते रहो, जिस तरह से आपका रवैया, आप कई महीने कई वर्ष लगाओगे, मुझे जानकारी है जी साहब के काम करने का तरीका क्या है, कई वर्ष लगाएंगे वो इस पॉलिसी को बनाने में, और इस वक्त में ये जो बेचारे गरीब बस मार्शल हैं बर्बाद हो जाएंगे। इनके घर में आज खाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास किराया भरने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास 2-2 लाख रुपए के कर्जे हो रखे हैं, कई लोग जान जा चुकी है कई लोगों की। तो हमने कहा भाई आप ये जो पॉलिसी का जो आपका गाना है आप गाते रहना, स्कीम आप बनाते रहना, जब बन जाए बता देना हमें, मगर तब तक इन बस मार्शलों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये पहले काम कर रहे थे बसों में, उसी स्थिति में एज इज वेयर इज बेसिस पे इनको दोबारा लगा लो। इसमें किंतु परंतु मत करो, वो महाभारत के अंदर होता था ना, भीष्म बार बार कहते थे किंतु परंतु मत करो,
मतलब हर चीज के अंदर टांग मत अड़ाओ, आप इसको कर दो। आपको जो पॉलिसी बनानी है, जो स्कीम बनानी है, जो करना है, अफसर सब आपके पास है, ये सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट है, आप बनाते रहो। मगर इन बस मार्शलों को तुरंत जो है आप बहाल करो, ये हमारी भी मांग है। और मैं आपको बताने देना चाहता हूं, यही बस मार्शलों की भी मांग है, उनसे भी मैंने चर्चा की है, वो भी आए थे मिलने, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो परमानेंट करने की जो बहानेबाजी है इसमें ये हमें परमानेंटली बाहर कर देंगे। उनको ये बात समझ में आ रही है बस मार्शलों को, तो वो कह रहे हैं आप परमानेंट जो करना है करते रहना, मगर फिलहाल आप हमें वापस लीजिए। और यही मैं अलजी साहब से कह रहा हूँ, अब आप इसको और मत घुमाइए, आपने कई महीनों से आप इस बात को घुमा रहे हैं, अब आप इनको तुरंत जो है बहाल कीजिए और इन बस मार्शलों के घर में जो है दोबारा जो है चूल्हा जल सके इसके लिए कीजिए। इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, ये बहुत जो है गरीब लोग हैं, इन चीज़ों पर राजनीति अच्छी नहीं लगती। आप तो अपने बड़े महल के अंदर रहते हैं, आपके पास तो सब सुख सुविधाएँ हैं, कोई कमी नहीं। ये बेचारे बहुत गरीब गरीब और दिल्ली के लोग हैं, हमारे हमारे भाई बहन हैं, गरीब भाई बहन हैं, इनके लिए जो है आप इनको तुरंत जो है वापस बहाली कर दीजिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पक्ष ये है कि चाहे एलजी साहब केंद्र सरकार जो भी पॉलिसी बनाए रिजर्व सब्जेक्ट पे, और चाहे उनकी तुरंत बहाली है, दिल्ली सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी उसके लिए बजटरी रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी, सब बस मार्शल्स को वापस बसों में लाने के लिए, उसका सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, चाहे एज इज वेयर इज बेसिस पे उनको अभी लगाया जाए, उनकी तनख्वाह भी दिल्ली सरकार देगी, और जब परमानेंट बेसिस पे इनको पॉलिसी के तहत लगाया जाए तब भी उनकी सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैम, एक तो ये सवाल कि आपने परसों कहा था कि सोमवार से इन्हें रोजगार मिल जाएगा जी, उसका क्या स्टेटस है, क्या इनको कुछ डिस्कशन हुआ या किस तरह से वो रोजगार? अभी हम एलजी साहब के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, हमने फाइल फ्राइडे को ही भेज दी थी एलजी साहब के पास, फ्राइडे को या सैटरडे को, पर अभी तक ये फाइल हमारे पास वापस नहीं आई है। जैसे ही एलजी साहब से फाइल वापस आएगी, उसके दो दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।